दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके यूनिवर्सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी मून सिटी स्केप्स बिल्डर रिलिव द ग्लोरी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय काव्या होटल्स मऊरानीपुर एंड गैलेक्सी इंटीरियर डिजाइन झांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके और मैं हूं प्रियंका। वक्त हो चला एक और फटाफट का खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए न्यूज बीके। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. Moon City Escapes Builders प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक residential, commercial, JDA approved project Space Moon City. Gated complex, high-tech security और 100% power backup के साथ premium apartment और independent villas, shopping mall और multiplex. Space Moon City 25 एकड़ में विस्तृत है। Perfect, luxurious and beautiful life के लिए प्रस्तुत है Space Moon City. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पहली बड़ी खबर है झांसी से। झांसी के चिरगांव में पलटी भक्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हुआ बड़ा हादसा, 7 महिला सहित 4 बच्चों की हुई मौत, आधा दर्जन से अधिक सवारी हुए घायल, आनंद फानन में झांसी मेडिकल कॉलेज कराया भर्ती। मऊरानीपुर में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर मनाई गई खुशियां, लोगों को पान खिलाकर दी बधाई। झांसी में लक्ष्मी तालाब में हुआ माँ काली का मूर्ति विसर्जन, माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, भक्तों ने लगाए माता रानी की जयकारे, झलकी खुशी, झांसी जिलाधिकारी के साथ समाज सेवी संदीप सरावगी रहे उपस्थित। झांसी के बरकस कॉलोनी के गोदाम बिस्किट में लगी आग, सारा माल जलकर हुआ खाक, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, क्षेत्र में मचा हड़कंप। झांसी के ग्राम रोरा में विशाल किसान पंचायत का किया गया आयोजन, बीमा क्लेम, रोड, बिजली, पानी व नहरों की साफ सफाई को लेकर खोला मोर्चा, बर्बाद हुई फसलों का सरकार से मांगा मुआवजा। झांसी ललितपुर राजमार्ग पर बस और स्कॉर्पियो में हुई भीषण भिड़ंत, लोगों में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस, बिजौली के पेट्रोल पंप के पास का है मामला। झांसी में डॉक्टर सुरेश चंद शास्त्री की मनाई गई 14वीं पुण्यतिथि, अतिथियों ने शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया दीप प्रज्वलित, डॉक्टर नीति शास्त्री ने किया सभी अतिथियों का आभार व्यक्त। जालौन में मनाएगा विश्व विद्यार्थी दिवस, नेत्रहीन बालक मंगल सिंह ने भरी कामयाबी की उड़ान, नया कीर्तिमान स्थापित करने का दिया लोगों को संदेश, देश की सेवा करने का लिया संकल्प। डिवाइडर से टकरा कर पलटा ट्रैक्टर, चालक को आई मामूली चोटें, टला बड़ा हादसा, जालौन कोतवाली क्षेत्र ग्राम भिटारा के पास का है मामला। आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा कर गिरा बाइक सवार, गंभीर अवस्था में देखते हुए उच्च संस्थान किया गया रेफर, कुठौन थाना क्षेत्र के दौन का है मामला। जनपद जालौन में जारी है चोरों की धमाचौकड़ी, 3 अलग अलग स्थानों पर ताले चटकाकर उड़ाया लाखों रुपए का माल, घटनाक्रम में हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। जनपद जालौन में जालौन नगर को छोड़कर सभी जगहों पर किया गया रावण दहन, जालौन नगर वासियों में दिखी गई मायूसी। बाधा के बबीरू में रामलीला लक्ष्मण शक्ति कुंभकरण बध का किया गया मंचन, सुंदर मंचन, हजारों की संख्या में दर्शक रहे मौजूद, रामलीला का उठाया आनंद, 175 वर्ष से किया जा रहा है रामलीला का मंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सागर जिले के छोटे लाल अहिरवार, 750 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए पहुंचे पीएम के पास, नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित, देश में तमाम योजनाएं चलाने के लिए पीएम को किया धन्यवाद। ग्वालियर के पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयदशमी का त्यौहार, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शस्त्रों का किया गया पूजन, पूजन पर खुशी की जाहिर। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, और फटाफट में कल फिर होगी इसी समय मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।